Good morning everyone. Today I am here with my new video and today we are going to discuss the question answers of the poem The Noble Nature by Ben Jonson. Noble Nature poem मैं पहले explain कर चुकी हूँ. अगर आपने अभी तक वो video नहीं देखी है तो पहले वो video जरूर देखिए. मैं उसका link नीचे share कर दूँगी. This is Ritu Garg, lecturer in English and this video is going to be very interesting and very useful. So let's start. The first question is, what symbols does Ben Jonson draw from nature? Ben Jonson ne nature se kaun se symbols liye hain? So the answer is, Ben Jonson draws two symbols from nature. Ben Jonson ne nature se two symbols liye hain. An oak tree of 300 years lifespan, ek oak ka tree, and a lily flower of one day, and second is lily flower. Second question is, mention the qualities of an oak. Is question ke answer mein hame oak ki qualities mention karni hai. An oak tree is very big in size. Oak ka jo tree hota hai uska size bahut big hota hai. It lives for 300 years. In the end it falls like a log, dry, bald and sear. एंड में ये गिर जाता है और इसका जो एंड होता है वो ड्राई, बाल्ड एंड सियर, इस तरह से ये गिर जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज अ लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस? लिली का जो फ्लावर है वो हमें कैसे इम्प्रेस करता है? अ लिली ऑफ ए डे इम्प्रेसेज अस बाय इट्स ब्यूटी. जो लिली का फूल है वो हमें अपनी ब्यूटी से इम्प्रेस करता है. इट्स ब्यूटी कास्ट ए स्पेल ऑन एवरीवन. इसकी जो ब्यूटी है वो सब पर एक जादू जैसा काम करती है. विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ स्पैन इट गिव्स जॉयज टू द बिहोल्डर्स. ये अपने शॉर्ट लाइफ स्पैन में जो इसके बिहोल्डर्स हैं, जो इसके दर्शक हैं, उनको ये बहुत ही जॉय देता है, बहुत ही खुशी देता है. इट स्प्रेड्स हैप्पीनेस. ये सब में हैप्पीनेस फैलाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट? पोइट के अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ परफेक्ट कैसे हो सकती है? सो द आंसर इज, अकॉर्डिंग टू द पोइट ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट बाय डूइंग गुड एंड नोबल डीड्स. हमें पोएम में पोइट ने बताया था कि अगर हम अपनी लाइफ में गुड एंड नोबल डीड्स करते हैं तो ह्यूमन लाइफ परफेक्ट बन सकती है. अ शॉर्ट स्पेंड वर्थ वाइल्ड लाइफ इज मोर डिजायरेबल देन अ मीनिंगलेस लॉन्ग लाइफ. एक मीनिंगलेस लॉन्ग लाइफ के बजाय शॉर्ट लाइफ, बट अगर वो वर्थ वाइल है तो वो ज़्यादा डिजायरेबल है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द पोइट जक्स्टापोज टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर विद ह्यूमन लाइफ? पोइट ने नेचर से टू ऑब्जेक्ट्स हमारी ह्यूमन लाइफ से कैसे जक्स्टापोज किए हैं, कैसे जोड़े हैं? तो हम जानते हैं कि पोइट ने ओक और लिली के फ्लावर को हमारे लाइफ से जोड़कर हमें बताया है कि कैसे लॉन्ग लाइफ स्पैन या शॉर्ट लाइफ स्पैन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट noble deeds are important. So we can answer like this, the poet juxtaposes two objects of nature with human life by their lifespan, worth and achievements. Poet ne nature se two objects liye hain jinko hamari life mein lifespan, worth aur achievement se joda hai. Without noble nature and good deeds, living a long life like an oak is meaningless. अगर हम अपनी लाइफ में कोई नोबल डीड्स नहीं करते हैं और लॉन्ग लाइफ स्पैन जीते हैं तो हमारा जो लाइफ है वो मीनिंगलेस है. शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ लाइक अ लिली इज़ वर्थ वाइल. लेकिन अगर हम शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ जीते हैं जैसे कि लिली की है तो ये वर्थ वाइल है. द लास्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम. पोएम की थीम यानी कि पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है? द थीम ऑफ द पोएम अंडरलाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल नेचर एंड नोबल डीड्स इन ह्यूमन लाइफ. तो जो इस पोएम का जो थीम है उसका जो मेन आइडिया है वो है नोबल डीड्स इन ह्यूमन लाइफ. द पोएम शोज दैट ए मैन स्मॉल इन साइज एंड विद अ शॉर्ट लाइफ स्पैन कैन ऑल्सो बी ग्रेट. पोइट कहते हैं कि अगर एक इंसान साइज में छोटा है, उसका लाइफ स्पैन शॉर्ट है, बट वो भी ग्रेट हो सकता है, लाइक अ लिली of a day in comparison to an oak which lives a longer life without worth.
अगर वो एक लॉन्गर लाइफ जीता है जैसे कि एक ओक, उसके मुकाबले लिली की तरह अगर वो वर्थवाइल लाइफ जीता है तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो ह्यूमन लाइफ मस्ट बी मीनिंगफुल एंड वर्थवाइल. तो ह्यूमन लाइफ जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, वर्थ